किस्मत चमकने का समय भी बता देती है आपकी भाग्य रेखा। जी हाँ, आपके हाथ में बनी भाग्य रेखा के अकॉर्डिंग ये जाना जा सकता है कि आपकी भाग आपका जो भाग्य है, किस्मत है, वो कौन से वर्ष में या जीवन के किस पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में या फिर बाद में, या जीवन के किस उम्र में आपका भाग्य चमक सकता है, आपकी भाग्य रेखा आपका जीवन संवार सकती है, कौन से वर्ष में, इस बारे में हम बात करेंगे। आइए डिस्कस कर लेते हैं भाग्य रेखा के समय के बारे में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल जानकारी। दोस्तों, हर व्यक्ति के हाथ पर जो भाग्य रेखाएं होती हैं, वो भाग्य रेखाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। भाग्य रेखा के कई टाइप्स हैं, कई प्रकार हैं, और उन प्रकारों के हिसाब से ही हर व्यक्ति को भाग्य रेखा उसके भाग्य का समय दर्शाती है, उसके भाग्य का फल देती है और जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल देती है, या फिर हम कैसा भाग्य अपने पूर्व जन्म से लेके आए हैं वो रेखा दर्शाती है। इसीलिए जो पाल्मिस्ट्री है, जो हस्तरेखा ज्योतिष है, वो इंडिकेट करती है। तो भाग्य रेखा के अकॉर्डिंग किस तरह का फल निकल कर आता है और कब, भाग्य रेखा संकेत करती है कि कब ऐसे व्यक्ति का रेखा के हाथ में बनी रेखाओं के अकॉर्डिंग कब ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है, भाग्य चमकता है, किस्मत चमकती है। दोस्तों, कई प्रकार हैं भाग्य रेखा के, तो कुछ जो ज्यादातर प्रकार लोगों के हाथों में पाए जाते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो पहला पॉइंट है कि ऐसी भाग्य रेखा जो कि मूल से चलती है, यानी कि आपको हाथ के अकॉर्डिंग बता देता हूं। देखिए, ये मूल है भाग्य रेखा, बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में यहां से चलती है, यहां से, और यहां से चलती हुई और सीधा शनि पर्वत पर जाती है। तो यही इसका सही पॉइंट है कि यहां सर, यहां से या यहां से चलती हुई भाग्य रेखा और शनि पर्वत पर जाती है। तो ऐसी भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी होती है। जब ये भाग्य रेखा चाहे हल्की लहरदार भी हो और चाहे सीधी भी हो, यदि ऐसी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है तो ये भाग्य रेखा फल बताती कि ऐसे व्यक्ति जन्मजात से ही भाग्यशाली होते हैं, पैदाइशी भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जन्म ऐसे घरों में लेते हैं जहां हर प्रकार से सुख समृद्धि और जो भाग्यशाली होने पर जो हमें फल मिलने चाहिए, जिनकी एक्सपेक्टेशन हम लाइफ में करते हैं कि भाई भाग्यशाली होंगे तो ये चीजें हमारे पास होंगी या इस तरह का रहन सहन होगा, तो वो सारी चीजें ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रारंभ से ही रहती है और जीवन के अंत छोर तक, जीवन के अंत तक वो सारे सामग्री का उपभोग कर पाते हैं, यानी कि अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जन्मजात से ही और पूर्ण जीवन तक भाग्यशाली होते हैं। दूसरा प्रकार मैं आपको यहां बताऊंगा दोस्तों, यदि भाग्य रेखा आधी हथेली पर हो, जैसे कि भाग्य रेखा आधी हथेली पर कई लोगों की होती है, पूर्ण नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाग्य रेखा यहां से चलती है और जाकर के शनि पर्वत पर जाती है, लेकिन ये हुई पूर्ण भाग्य रेखा। लेकिन दोस्तों, कई लोगों की भाग्य रेखा यहां से, ये आधा हाथ का जो आधा पॉइंट है, यहां तक, यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है, ये पार्ट नहीं होता, यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय है दोस्तों, वो 35 वर्ष के बाद
जब उनकी आयु 35 वर्ष की होती है उसके बाद ही वो अपने कार्यों से एक अच्छा भाग्य का निर्माण और एक अच्छा जीवन जी पाते हैं, जो उन्हें लगता है कि इस तरीके से भाग्यशाली माना जाता है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट यहां पर है कि भाग्य रेखा यदि मस्तिष्क रेखा से शुरू होती हो, कई लोगों की जो भाग्य रेखा है वो ये जो भाग्य रेखा है वो ये मस्तिष्क रेखा, इस मस्तिष्क रेखा से यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है, तो ये मस्तिष्क रेखा से यदि यहां से और यहां तक जाती हुई दिखाई देती है केवल और इसके पहले नहीं है, तो ऐसी जो रेखा है जो मस्तिष्क से और शनि पर्वत तक जाती है दोस्तों, तो ये 40 वर्ष की आयु ऐसे व्यक्ति स्त्री या पुरुष की बताता है जब उसे सब प्रकार के सुख सुविधाएं और एक अच्छा जीवन, अच्छा अर्निंग सोर्सेस, जिसे आप कहते हैं कि किस्मत चमकना, वो सब उसके जीवन में घटित होता है। एक अच्छा किस्मत का निर्माण 40 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्तियों का होता है। दोस्तों चौथा पॉइंट यहां पर है कि जब भाग्य रेखा जिन व्यक्तियों की हृदय रेखा से ऊपर दिखाई देती है सिर्फ, उससे पहले नहीं होती है। कैसे? जैसे कि ये भाग्य रेखा है और ये हृदय रेखा है, तो ये भाग्य रेखा सिर्फ जो है हृदय रेखा के ऊपर ही यहां पर दिखाई देती है, यहां से इस हृदय रेखा के ऊपर ही सिर्फ यहां तक दिखाई देगी, यहां से चल करके और यहां तक। तो दोस्तों ऐसी भाग्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्तियों का जो बुढ़ापा होता है 45 या 50 वर्ष के बाद का जो समय उनका होता है वो उनके लिए सुखदायी होता है या भाग्योदय होने वाला समय होता है, तब वो समस्त सुख संपदाएं और बुढ़ापे में सुख भोगते हैं या कारोबार के माध्यम से, अर्निंग सोर्सेस के माध्यम से उनको काफी सपोर्ट 50 वर्ष के बाद प्राप्त होता है। दोस्तों पांचवा पॉइंट मैं आपको यहां पर बताता हूं और वो ये है कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में जो रेखा है वो मस्तिष्क रेखा तक भाग्य रेखा होती है। कहां से? मूल से, जैसे कि ये यहां से शुरू होती है या यहां से शुरू होती है और मस्तिष्क रेखा यहां पर एंड हो जाती है, इसके ऊपर नहीं दिखाई देती। आप समझ पा रहे होंगे कि जो यहां से लेकर के और यहां तक केवल मस्तिष्क रेखा तक ही भाग्य रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है माना जाता है, ज्योतिष का संकेत है कि ऐसे व्यक्ति अपना जीवन जो है वो पौराणिक संपदा से चलाते हैं। पौराणिक संपदा यानी कि बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड की संपदा से, जैसे जमीन जायदाद या माता पिता का, दादा का, पौराणिक लोगों का जो है इकट्ठा किया हुआ धन संपदा से ही अपना जीवन चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को भाग्यशाली भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी कर्मठता से अपने जीवन में धनोपार्जन या इज्जत मान पद प्रतिष्ठा कम ही संजो पाते हैं। छठवां पॉइंट मैं आपको यहां पर बताऊंगा, केवल यदि जीवन रेखा केवल हाथ के मध्य में, हाथ के बीचों बीच थोड़ी सी दिखाई दे रही हो, किस प्रकार से? जैसे कि ये भाग्य रेखा पूर्ण है लेकिन भाग्य रेखा सिर्फ यहां से लेकर के और यहां तक हृदय रेखा तक दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के और सिर्फ यहां तक दिखाई दे रही है, केवल इतना पार्ट अगर भाग्य रेखा का दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों को जल्दी ही तरक्की मिल जाती है, किसी भी मामले में, कारोबार के मामले में, पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में। लेकिन ऐसे व्यक्ति तरक्की तो मिल जाती है लेकिन वो तरक्की उम्र के 20-25 साल के बाद मिलती है और जाकर के 40 या 45 वर्ष तक ही उसका उपभोग वो कर पाते हैं। तो तरक्की या भाग्योदय ऐसा होता है कि जो केवल जीवन के मध्यकाल तक ही 25 वर्ष के बाद और 40-45 वर्ष तक ही वो अपना धनोपार्जन जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है या सुख संपदा की है या बिजनेस को बड़ा किया है केवल वहीं तक चल पाता है।
तो बाल्यकाल और वृद्धावस्था में वो सारे सुख संपदाएं या भाग्योदय वो उतना प्रबल नहीं होता है जितना कि केवल जीवन के मध्यकाल तक ही होता है। तो दोस्तों यहां पर सातवां पॉइंट मैं आपको बताऊंगा किस्मत चमकने के समय के बारे में, और वो ये है कि जीवन रेखा से जब दोस्तों कुछ रेखाएं, भाग्य रेखाएं जो शुरू होती हैं व्यक्तियों की, जीवन रेखा ये कही जाती है, ध्यान से देखिएगा, ये जीवन रेखा है लेकिन ये भाग्य रेखा यहां से ना आकर के बल्कि ये भाग्य रेखा यहां से शुरू होती है। जैसे कि ये भाग्य रेखा है और यहां से शुरू होती है, केवल कई लोगों के भाग्य रेखा यहां से शुरू होती है और तब ये ऊपर की तरफ जाती है, यानी जीवन रेखा से सटी हुई होती है या चिपक के चलती है या जीवन रेखा से ही शुरू होकर के चलती है भाग्य रेखा। तो ऐसी भाग्य रेखाएं दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तब सफल होते हैं जब भी वो मेहनत करना चाहे, उनका समय वही है, वो अपने बाहुबल पर, अपने कारण, अपनी मेहनत के कारण ही जीवन में ऊंचाइयां पाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि किस्मत चमकती है या भाग्योदय होता है। तो तभी होता है जब ऐसे व्यक्ति अपने अंदर कर्मठता का भाव लेकर के जब भी मेहनत करेंगे या जितने समय तक कठिन प्रयास करते रहेंगे तब तक उनका भाग्योदय चलता रहता है, और जिस दिन वो आलस कर लेते हैं उस दिन भाग्य फिर डाउन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति पूंजी को संजो कर नहीं रख सकते, मतलब कि यूं नहीं कर सकते कि एक बार कमाया और रख लिया और जीवन भर खाते रहे, ऐसा नहीं, बल्कि उन्हें निरंतर कार्यरत रहना पड़ता है, और जब जब जितनी ज्यादा वो जितनी कम मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्तियों को सफलता भाग्योदय मिलता रहता है। दोस्तों आठवां पॉइंट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं समय, और वो ये है कि भाग्य रेखा कई व्यक्तियों के हाथों में नहीं होती है, ये भाग्य रेखा कई व्यक्तियों के हाथ में नहीं होती है जो यहां से चलती है और शनि पर्वत तक जाती है। लेकिन दोस्तों ये भाग्य रेखा जिन व्यक्तियों के हाथ में नहीं है पर ऐसे व्यक्तियों के हाथ में यहां से जीवन रेखा से चलती हुई कुछ लाइंस यहां तक होती हैं, एक या दो लाइंस इस प्रकार से। तो जो जीवन रेखा से चलती हुई और यहां तक मस्तिष्क हृदय रेखा तक जाती हूं, ऐसी दो लाइंस या तीन लाइंस यदि दिखती हो और भाग्य रेखा ना हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 29 वर्ष के बाद माना जाता है। और ऐसे जो पुरुष हैं या स्त्रियां हैं उनके जीवन में भाग्योदय का समय, किस्मत चमकने का समय ये 29 वर्ष के बाद ही देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में सिर्फ ये क्रॉस लाइंस हैं, लंबी भाग्य रेखा शनि पर्वत को जाती हुई नहीं है, केवल क्रॉस लाइंस हैं एक दो या तीन, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो काम करते हैं उसके मामले में उन्हें भाग्योदय भी होता है, नेम फेम भी प्राप्त होता है और एक अथाह धन संपत्ति को भी, यूं कह सकते हैं कि अपने जीवन में अचानक से ये व्यक्ति 29 वर्ष के बाद अच्छी प्रयास के कारण एक करोड़पति, धनवान और वैभवशाली व्यक्ति बनते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे पॉइंट्स, किस्मत चमकने का समय भी बता देती है भाग्य रेखा इस पर। तो अधिक जानकारी के लिए, कुंडली एनालिसिस, प्रेडिक्शन आदि के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपने लिए अपॉइंटमेंट फीस यहां पर लगती है। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और भी जानकारियों के लिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में हमारे इस वीडियो को अदर प्लेसेस में भी शेयर जरूर कीजिएगा। सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।